गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस के चैप्टर 7 फर्स्ट एड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर का सारा रिवीजन कर लिया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये ओरल वर्क है। इफ़ यू फ्रेंड गेट्स हर्ट वाइल्ड प्लेइंग व्हाट यू विल डू, बोलते हैं अगर आपके दोस्त को खेलते समय चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे। वी विल प्रोवाइड फर्स्ट एड, अगर हमारे दोस्त को खेलते समय चोट लगी हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है मेंशन एनी थ्री आइटम्स कैप्ट इन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में तीन आइटम्स जो है वो क्या क्या होती है, क्या क्या होनी चाहिए, बैंडेज, कॉटन, गॉज, सीजर, ब्लेड, नीडल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेटाडीन, थर्मामीटर, ये चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ नायलॉन व्हेन वर्किंग किचन, बोलते हैं कि हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए नायलॉन के जगह पे जब हम किचन में काम कर रहे हैं। बिकॉज नायलॉन इज इजी एसेस टू फायर, नायलॉन जो है उससे आग पकड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉटन से, इसलिए हमको किचन में कॉटन के क्लोथ्स पहन के ही काम करना चाहिए। व्हाट फर्स्ट एड शुड यू गिव टू अ विक्टिम ऑफ नोज ब्लीडिंग, जिसकी नोज ब्लीडिंग हो रही है उसको हम कौन सा ये फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे, हम उसको क्या करेंगे। वी शुड मेक द पेशेंट लाई डाउन विद हिज हेड लोअर इन पोजिशन, हम क्या करेंगे उस पेशेंट का जो सर है वो लोअर पोजिशन में उसको नीचे लेटाएंगे, उसका सर लोअर पोजिशन बॉडी के लोअर पोजिशन से नीचे कर देंगे, उसके नेक के पास एक पिलो रख देंगे और उसके जो फोरहेड है उस पर हम कोल्ड वाटर डालेंगे, उससे उसकी नोज ब्लीडिंग रुक जाएगी। अच्छा, व्हाट इज हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक क्या होता है, जब बाहर मई जून जुलाई में बहुत सारी गर्मी होती है, जब हम बाहर निकलते हैं, जब हमारे शरीर थकान महसूस करता है, स्वेटिंग फील करते हैं, टायर्ड फील होते हैं, उस वक्त उसको क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक बोल सकते हैं। व्हाट शुड हैव व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ तहूरा हैड नॉट गिवन एड टू द युहान, बोल रहे हैं तहूरा जो युहान की सिस्टर थी अगर उसने उसको फर्स्ट एड टाइम पे नहीं दिया तो क्या होता, तो युहान का बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता और वो बेहोश भी हो सकता था और भी प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती थी। तो बच्चों ये था ओरल वर्क, अब हम रिटन वर्क की तरफ पढ़ते हैं। ओरल वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में हमें क्या रखना चाहिए, अगर हमारा हमें खेलते समय किसी दोस्त को चोट लग जाए उस वक्त क्या करना चाहिए, किचन में हमको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किसी को अगर नोज बहती है ये ब्लीडिंग नोज होती है जो खून आ जाता है नाक से उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए इतने सारी गर्मी में, खेलना नहीं चाहिए गर्मी में बाहर, और जो घर में बड़े हैं उनकी एडवाइस में हमको फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करना चाहिए और हमको फर्स्ट एड बॉक्स हमारे घर में अवेलेबल रखना चाहिए। अब हम रिटन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। What should be done immediately if hot water falls on you? बोलते हैं अगर आपके ऊपर हॉट वाटर गिर जाए तो आपको इमिडिएटली क्या करना चाहिए। We should pour cold water on burn, जो जहाँ पे भी जला हो वहाँ पे हमको कोल्ड वाटर डालना चाहिए। Till the burning sensation stop, जब तक burning sensation बंद ना हो जाए। Question number 2 है, Why is first aid necessary? First aid necessary क्यों है, हम घर में first aid necessary क्यों बनाते हैं, हमारे घर में first aid क्यों होना चाहिए। Because first aid helps to control and cure the injuries, burns, heat stroke, wounds early. फर्स्ट एड क्या काम करता है, वो कंट्रोल करता है और ठीक करता है हल्के से जो खरोंचे होती है, इंजरीज होती है, हल्का जला हुआ होना, जला हुआ उसको ठीक करता है, हीट स्ट्रोक को करता है, वॉन्ड्स को, जो पहली जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंच पाए तब तक हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, रोड एक्सीडेंट इसलिए होते हैं रॉन्ग ड्राइविंग, जैसे हमें लेफ्ट साइड में चलना चाहिए रोड के, हम राइट साइड में चल रहे हो ड्राइव कर रहे हो, डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को हम नहीं माने, जैसे रेड लाइट होती है स्टॉप के लिए, रेड लाइट आ रही है और हम अपनी गाड़ी को ट्रैवल करा लें निकल जाए, कोई हादसा हो जाएगा, ओवर स्पीडिंग, हाई स्पीड,
अगर कहीं पे 30 किलोमीटर पर आवर ही चलना है तो हम वहाँ 60 किलोमीटर पर आवर चलेंगे। एंड सम रीजंस आर द सम रीजंस ऑफ रोड, ये सब कुछ रीजंस है रोड एक्सीडेंट के। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फर्स्ट एड बॉक्स, व्हाट इज फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे घर में होते, क्या उसमें कौन बॉक्स में होते हैं। द बॉक्स दैट कंटेन द फर्स्ट एड, जिसमें कोई भी बॉक्स जिसमें हम फर्स्ट एड चीज़ें रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। अच्छा, फर्स्ट एड में क्या क्या होता है। फर्स्ट एड बॉक्स कंसिस्ट ऑफ बैंडेज, कॉटन, वूल, गॉज, सीजर्स, ब्लेड, नीडल, हाइड्रोजन परोक्साइड, थर्मामीटर, बेटाडीन। तो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है, बैंडेज होता है, कॉटन होता है, गॉज होता है, सीजर्स होती हैं, ब्लेड होते हैं, नीडल होती हैं, हाइड्रोजन परोक्साइड होता है, थर्मामीटर होते हैं, बेटाडीन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट एड बॉक्स में होती है। थैंक यू।